हेलो गाइस, हाय, फिर से आ गया मैं अपनी शक्ल लेके। हाँ तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं आइस स्क्रीम 2। अब गाइस, आप लोगों को याद होगा भाई, आइस स्क्रीम 1 को यार मैंने बहुत टाइम पहले अपने चैनल पे यार पूरा फिनिश किया था, और उसके बाद से भाई आइसक्रीम 2 का कोई नामो निशान तक नहीं था। तो हाँ भाई, आज फाइनली आ चुका है आइस स्क्रीम 2 का गेम प्ले। मगर उससे पहले अगर यार आप लोग माइनक्राफ्ट का पीवीपी खतरनाक वाला रोल प्ले वाला कंटेंट देखना चाहते हो, तो भाई आप लोग जाके मेरे फ्रेंड के चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट उस पर जाके आप विजिट कर सकते हो, नॉट जेड जोर गेमिंग। भाई काफी ज्यादा खतरनाक माइनक्राफ्ट का कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे। तो हाँ, फटाफट से अभी हम लोग प्ले करते हैं। ओके, शुरू हो चुका है हमारा आइस स्क्रीम 2 1982। ओके, तो यार अभी यार ये हमारे चारों दोस्तों की पिक्चर्स हैं, और इसमें से भाई मैं वो मोटा वाला गए उसको यार मैं बचा के लेके आया था लास्ट टाइम आइस स्क्रीम 1 में। भाई ये देखो, हमारे कंप्यूटर पे खुला हुआ है आइस स्क्रीम 2। ओके, तो गाइस यार ये वही कमरा है जो भाई लास्ट टाइम हमारा कमरा था। हमारे माँ बाप हम लोगों को फिर से कमरे में बंद करके पार्टियां करने चले गए। मुझे कमरे से तुम लोग बाहर कब निकालोगे यार? फिलहाल तो फटाफट से अभी हम लोग ये वाली खिड़की खोलते हैं और देखते हैं बाहर क्या चल रहा है। वो रहा भाई वो आइसक्रीम वाला बंदा। अब भी यार ये मेरी कोई और दोस्त को यार अपने झांसे में फंसा रहा है। हेलो, ओके, सीक्रेट लेयर की बात हो रही है। ओके, पकड़ लिया भाई, अपने बातों में लगी हुई थी यार। रॉड ने उसको मुझे देख लिया भाई। गाइस यार, रॉड ने मेरी फ्रेंड को फ्रीज कर दिया यार। ये लड़की मुझसे कुछ बात कर रही थी सीक्रेट लेयर पे आने की। भाई इसके भाई, मतलब भाई हमारा पूरा फ्रेंड ग्रुप बना हुआ है, तो हाँ भाई इसके भाई ने मुझे बुलाया था, हम सबको बुलाया था बेसिकली, हम सारे फ्रेंड्स को। उसको कोई सीक्रेट बात बतानी है हम लोगों को, और अभी तो यार इस लड़की को रॉड ने पकड़ लिया। भाई आइसक्रीम वाले अंकल का नाम रॉड है। तो हाँ गाइज, अभी यार हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके, अभी यार हम लोग यहाँ से बेडशीट से ब्लैंकेट ले सकते हैं, और भाई इस ब्लैंकेट को यार मैं समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। इस ब्लैंकेट को भाई मुझे यहाँ पर टांग के जाना है नीचे। समझ चुका हूँ भाई, यहाँ तक तो गेम वालों ने बता दिया। अब पता नहीं मेरा आगे क्या होने वाला है। भाई यहाँ पे मुझे एक ये भी तो मिलती है, हाँ भाई स्लिंग शॉट, फटाफट से मैं ये भी उठा लेता हूँ भाई, रॉड को मारने में काम आएगी। ओके, फटाफट से हम चलते हैं नीचे। और हाँ, अभी भाई मैं कैसे कैसे फलांग फलांग के अपने दोस्तों के लिए जा रहा हूँ। तो हाँ गाइस, अब यार हम लोगों को यहाँ पे छुपना पड़ेगा, कहीं यार रॉड मुझे ढूंढ ना ले। और भाई अभी आप लोग देख लो भाई, ये रहा वो रॉड, खतरनाक वाला आइसक्रीम वाला बंदा, ये वो गाने गा रहे हैं। फिलहाल तो यार फटाफट से अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, और भाई मुझे यार एक बार ये आइसक्रीम वाले बंदे को स्टन करके उसके बाद यार फिर मुझे इसकी वैन के अंदर जाना पड़ेगा। ये आइसक्रीम वाला बंदा है कहाँ पे? भाई मुझे लग रहा है कि अंदर होगा। रॉड वाला अंकल अंदर, ये अंदर भी नहीं है। हेलो, रॉड कहाँ चला गया? भाई रॉड यहाँ पे नहीं है, तो हमारे लिए अच्छा मौका है। फटाफट से यार मैं यहाँ से मैप उठाता हूँ। अबे देख लिया इसने, कहीं ना कहीं से मुझे देख लिया। अबे ले बेटे, आते ही पकड़ लिया। ये गेम की स्टार्टिंग क्या हुई है भाई? ये अच्छा अच्छा चलो भाई, अभी हमारा गेम रिस्टार्ट हो चुका है। सही है भाई, कोई मसला नहीं हुआ, कोई एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। भाई सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, हमारी कोई नाइट वाइट जाया नहीं हुई है। तो हाँ गाइस, ओके यू कैन गो फार, यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड लिस। ओके भाई, इस लड़की का नाम लिस है, और भाई मुझे इसको बचाना है रॉड के चंगुल से। फिलहाल तो भाई मेरे पास यहाँ पे एक स्लिंग शॉट है, मैं रॉड को एक बार रॉड इधर आजा। अब मैं मटक मटक के आ रहा है, फटाफट से भागता भागता। हाँ भाई टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ आजा आजा आजा, ये तेरी ऐसी की तैसी। ये लो, ओके पत्थर मैंने मार दिया इसको, और अभी यार रॉड थोड़ी देर के लिए थोड़ा ऐसे ना चक्कर से आ चुके हैं। अब भाई मेरे पास टाइम है, फटाफट से यहाँ पे आके इसकी वैन में चढ़ चुका हूँ। ये बंद करो, ये खिड़की कैसे बंद होती है? और खिड़की बंद कैसे करता हूँ मुझे समझ में नहीं आता। फटाफट से यार अभी हम लोग चलते हैं। हम लोग सबसे पहले कहाँ चलें? हम सबसे पहले चलने वाले हैं, चलो भाई काम करते हैं, हम चलते हैं सबसे पहले सर्कस पे। ओके, हम लोग आ चुके हैं अपने सर्कस वाले एरिया पे। हमारा रॉड वाला अंकल ज़रा यहाँ पे आके अपनी गाड़ी पार्क लगा रहा है, बैठे ड्रिफ्टे मार रहा है अपनी इतनी मोटी वाली वैन से, पलट जाएगी ये तो। तो हाँ गाजर, अभी हम लोग आ चुके हैं, ये हमारी फ्रेंड। हेलो हेलो आंटी जी, मज़ा आ रहा है अंदर? हैं, किसने कहा था इससे आइसक्रीम ले? जब पता है कि भाई ये वाला बंदा किडनैप कर लेता है तो क्या जरूरत होती है इसकी आइसक्रीम लेने की? हैं बोल पागल औरत। फटाफट से अभी हम लोग, रोड की आवाज़ आ रही है भाई। अब यार फटाफट से मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, और गाइस बस ये कहीं मेरे मुंह पे ना खड़ा हो। कहाँ पर है ये रोड यार? ये पता नहीं कहाँ पर है। फिलहाल तो फटाफट से यार मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। और गाइस अब भी यार, ओ भाई रोड वहाँ जा रहा है। हेलो हेलो रोड वाले अंकल, क्या हाल चाल है? भाई ये बंदा कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं है। रोड, ओ पागल आदमी। हेलो, ओ भाई ये बंदे यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं।
अरे देख लिया देख लिया देख लिया बेटे, इसकी आंखें बहुत तेज़ हो रही हैं आजकल। अरे भागो, देख लिया भाई देख लिया, मुझे मुझे इसको अपने आप से बचाना पड़ेगा, मतलब मुझे अपने आप को इससे बचाना पड़ेगा। हाँ आ जा बेटे आ जा। गाइस फिलहाल तो अभी यार रॉड वहाँ पे घूम रहा है, फटाफट से यार मैं इस बिल्डिंग के अंदर चला जाता हूँ, क्या पता मुझे यार यहाँ पे कुछ ना कुछ काम का मिल जाए। ये वाला डोर, ओके भाई ये वाला डोर मैं खोल पा रहा हूँ एक्चुअली, फटाफट से मैं ये बंद करता हूँ। और यार अभी हम लोग आ चुके हैं इस बिल्डिंग के अंदर, और आते ही हम लोगों को देखने को मिलती है काफ़ी खचाड़ा सी किचन। तो हाँ भाई फटाफट से यार मैं पहले ये पूरी किचन खंगालता हूँ भाई, क्या पता मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ काम का सामान मिल जाए। ये पूरा खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ओ नहीं ये खाली नहीं है। ओके यहाँ पर हम लोगों को मिला है कैट फूड, ठीक है भाई मुझे ये वाला कैट फूड लेके जाना है, मुझे लगा कि रॉड आ रहा है बट वो नहीं आ रहा। तो हाँ भाई अभी यार मुझे यार ये वाला कैट फूड लेके जाना होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके अभी यार मैं चलता हूँ इस वाले रूम में, ये हमारा समझ लो लिविंग रूम है, और पहले ये बंद करो। ओके तो गाजर अभी हम लोग ये किसी के लिविंग रूम में आ चुके हैं यार, यहाँ पे ये कुछ दादी की पिक्चर लगी हुई है। हेलो दादी वाली आंटी कैसी हैं आप? और हाँ अगेन हेलो दादी वाली आंटी। अच्छा आई थिंक यार ये दोनों एक ही दादी हैं। तो हाँ गाजर यार इससे हम लोगों को ये पता लग चुका है कि यार ये वाला घर जो है ये एक दादी का है, और वो दादी कहाँ पे है मुझे पता है, कहीं रॉड ने दादी को तो किडनैप नहीं कर लिया भाई। यहाँ पे दादी हैं और दादी के हाथ में उनकी काफ़ी क्यूट सी काली सी बिल्ली भी है। और यार यहाँ पे एक हैंगर है तो मैंने ये उठा लिया, मुझे पता नहीं क्या काम होने वाला है इसका, बट हाँ मैंने उठा लिया फ़िलहाल, बाद में देखेंगे हम लोगों को क्या करना है इससे। मैं पहले यार ये वाली कबट बंद, बल्कि नहीं यार मैं ये वाली कबट खोल के रखता हूँ। ओके अब यार हम लोग चलते हैं इस वाले रूम में, ये आ चुका है हमारी दादी का खतरनाक वाला मास्टर बेडरूम। और भाई इस बेडरूम में हम लोग यहाँ पे बेड के नीचे आके छुप सकते हैं। ओके यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ओके यहाँ 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 पे कुछ भी नहीं। यार मुझे रॉड के चलने की आवाज़ आ रही है, एक मिनट अगर मैं ये खोलूँ तो क्या रॉड यहाँ पे, रॉड यहाँ पे नहीं है। ओके फटाफट से मैं ये बंद कर देता हूँ। और यार यहाँ पे कुछ ड्रॉर्स हैं, ये खोलो, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये खोलो, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ओके अब यार फटाफट से मैं यार ये वाला गेट बंद करता हूँ। और भाई यहाँ पे कुछ है क्या? ये यहाँ पे, ये और यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है इस पूरे घर में। बस मुझे एक हैंगर और एक कैट फूड मिला है, और भाई यहाँ पर था हमारा कैट फूड, मुझे ये भी उठाना है। तो फटाफट से उठाओ, रॉड की मुझे फिर से आवाज़ आ रही है, रॉड यहाँ पे ना हो बस। ओके ओके फटाफट से भागो, फटाफट से भागो, ये रॉड मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और अभी यार मैं ये वाला कैट फूड यहाँ पर, आवाज़ हो गई, अब वो आएगा। यार ये क्या चल रहा है इस गेम में। ओके अभी यार मैं यहाँ पर आके फटाफट टेंट में छुप जाता हूँ, रॉड वहाँ से अपनी गाड़ी के पास जाएगा। और यार यहाँ पर ये कुछ बना हुआ है, मैंने ये, मैं ये कब से नोटिस कर रहा हूँ यार, यहाँ पर ये कुछ बना हुआ है और इसके अंदर यार मुझे बच्चे भी दिखे थे, मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये देखो यार यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है। अब मुझे इसके अंदर जाना है किसी ना किसी तरीके से, बट मैं क्या यार बिजलियाँ कड़क रही हैं और रॉड सामने से आ चुका है। मैं यहाँ पे यार इन बिन्स के अंदर छानबीन भी कर सकता हूँ, तो हाँ फटाफट से यार मैं देखता हूँ, क्या पता मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए यहाँ पे अंदर। रॉड आ रहा है फटाफट से। ओके यू डिडंट फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग? तो भाई मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे फिलहाल। तो यार यहाँ पे एक घर है और मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। ओके मैं फटाफट से भाई इस कोने वाले डस्टबिन से स्टार्ट करता हूँ। और हाँ अब यार हम लोग ये सारे डस्टबिन को लाइन से देखने वाले हैं, तो इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। और कुछ डस्टबिन हैं उस साइड पे, मैं वहाँ जाके चेक करता हूँ, बट उससे पहले भी मुझे चेक करना है कि मैं यहाँ से अंदर कैसे जाऊँ। ओके हे यू, अरे ये तो अभी तो वही मोटा जिसको मैंने बचाया था। हेलो मोटू अंकल, ओनली दोज हु हैव देयर आइडेंटिफिकेशन कार्ड कैन एंटर हियर आइडेंटिफाई। अबे मैं तेरा दोस्त हूँ भाई। हेलो, अच्छा आई थिंक, अबे भाई कहीं यही वाला बंदा तो उस लड़की का भाई नहीं है जिसको हम लोग बचा रहे हैं? अबे तेरी बहन को बचा रहा हूँ मैं पागल आदमी, मुझे अंदर आने दो यार। ये कैसे सेल्फिश लोग हैं यार। अभी आइडेंटिफिकेशन कार्ड मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे ये भी नहीं पता। ये मुझे क्या मिला? यू फाउंड द स्पेशल पास। एक मिनट, ये स्पेशल पास कहीं उसका मेरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड तो नहीं है? एक मिनट मैं जाके ज़रा ट्राई करता हूँ, क्या पता यार वो मेरे लिए गेट खोल दे। यार रॉड तो यहाँ पे नहीं है। ओके फटाफट से मैं चलता हूँ यहाँ पे। और हाँ हेलो अंकल जी, क्या ये है आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड? ओके हे जे, वेलकम बैक टू द सीक्रेट लेयर। अबे जब तुझे पता है कि मैं जे हूँ, हैं यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, तू वहाँ से मेरा बूथा देख पा रहे, तो क्या ज़रूरत है यार आइडेंटिफिकेशन कार्ड की? बेकार आदमी, तेरी बहन को बचा रहा हूँ मैं। वो बेटे इसके हाथ में तो बहुत मोटी वाली गन है, और आई थिंक यार ये वाली गन मेरे काम आने वाली है रॉड को मारे। अंकल जी आप मुझे प्लीज़ यार ये वाली गन दो ना यार, मुझे रॉड को मारना है, दो ना प्लीज़ दो ना। फिलहाल तो यार मैं इससे बात कर सकता हूँ, तो हाँ बराबर से मैं इससे बात करके देखता हूँ भाई क्या बोल रहा है। ओके
अच्छा भाई तो किंग है, चलो ठीक है मान लिया. I'm the best player in the world. Okay. No one will exceed my record. I am the best player. बैठ, तेरे को बचा के लाया था मैं, ये नहीं भूल. Okay. I'm the best player in the world. अच्छा बस अभी ये बोला जा रहा है यार, पागल हो गया. अभी यार ये कुछ बोल रहा है कि भाई मैं सबसे अच्छा प्लेयर हूँ पूरे वर्ल्ड का और कोई बंदा मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता. भाई वो देखो रॉड घूम रहा, रॉडी हेलो वाले रॉडी वाले अंकल. भाई अभी यार ये इसका रिकॉर्ड कहाँ तोड़ना है भाई, तू बोल मैं तेरा रिकॉर्ड क्या, मैं तेरा मुंह भी तोड़ दूंगा मोटे. यार पता नहीं मुझे क्या करना है फिलहाल. तो यार यहाँ पे मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है. हेलो हेलो माइक. ओके हाँ हेलो. आई हैव अ रेयर पीस दैट आई फाउंड आउट देयर. ओके रियली यू नो व्हाट टू डू विद इट. अच्छा ब्रिंग मी समथिंग प्रीटी, आई विल गिव इट टू यू. ओके तो गाइस यार ये बंदा बोल रहा है कि इसको यार कोई ना कोई रेयर चीज मिली है जो कि हम लोगों को दे सकते हैं, मगर उसके बदले यार मुझे इसको कुछ ना कुछ प्रीटी चीज़ ला के देनी होगी. अब यार मैं इसके लिए प्रीटी चीज़ कहाँ से लाऊं? ओके मैं समझ चुका हूँ गाइस. भाई हमारा ये मोटा वाला चार्ली वाला अंकल जो किसी गेम की बात कर रहे थे भाई, वो ये वाला गेम है और भाई इसमें इसका हाई स्कोर बहुत ज़्यादा है. तो हाँ भाई मुझे इसको एग्जिट करना है. तो अभी देखो अभी मैं इसको हराता हूँ, सबर कर जाओ. ये भी हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट और ये कूदो. ना अरे ये तो मुश्किल है भाई, एक मिनट दोबारा रीट्राई करेंगे भाई, ये गेम तो एक्चुअली मुश्किल है. ओके ये लो. अबे भाई क्या हो गया, अबे सिर्फ एक ट्राई बाकी है मेरे पास, मैं हार जाऊंगा यार. एक मिनट हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं भाई एकदम कॉन्सेंट्रेशन से. ये अरे यार इतना मैं आगे आ चुका था और गाइस अभी हम लोग मर चुके हैं. शिट मेरे पास यार यहाँ पे जीरो लाइव्स हो चुकी हैं और अब भी यार मैं ये वाला गेम दोबारा नहीं खेल पा रहा हूँ. शिट तो गाइस हाँ इसका मतलब यार अभी मैं यार इसका रिकॉर्ड एग्जीट नहीं कर सकता हूँ और इसका मतलब यार ये मुझे अपनी ये वाली गन नहीं देने वाले. मैंने देखी थी ये चीज़ कि यार यहाँ से एक तो यार रास्ता इस घर में जा रहा है, एक स्टेयर यार यहाँ से और ऊपर भी जा रही हैं और यार ये हमारा फुल ऑन रूफ टॉप आ चुका है. ओके इस रूफ टॉप में मुझे क्या करना है मुझे ये भी नहीं पता. फटाफट से यार अभी हम लोग ओके भाई यहाँ पे एक डोर है, ये डोर नहीं खुल सकता और यार यहाँ पे एक लैडर लगी हुई, हम लोग इस लैडर से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं. अरे ऊपर चलो. ओके और यार अभी हम लोग आ चुके हैं एकदम टॉप पे. यहाँ से यार मैं रॉड को देख सकता हूँ, मैं उसकी हर हर हरकत पे यहाँ पे नज़र रख सकता हूँ और भाई मुझे यहाँ से ये वाला पूरा एरिया दिख रहा है. यहाँ पर एक मिनट यार यहाँ पे कुछ बटन आया था मुझे. ये क्या है, केबल कहाँ है? अच्छा ये रहा केबल. ओके यार ये कोई केबल लगा हुआ है यहाँ पे और इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है विद द राइट आइटम यू कुड यूज़ दिस केबल एज अ जिप लाइन. हम लोग यार किसी राइट आइटम से इस केबल को जो है वो जिप लाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं. अब यार वो राइट आइटम क्या हो सकती है मुझे नहीं पता. फटाफट से यार मैं चलता हूँ यहाँ से नीचे. गाइस आई थिंक यार मैंने ये वाला एरिया पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर दिया है, मैं ये बंद करता हूँ और गाइस अभी हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. अभी हम लोग जाने वाले हैं अपनी सिमेट्री पे. चलो ओके इस सिमेट्री पे आ चुके हैं हम लोग और अभी यार ये आइसक्रीम वाले अंकल अपनी वैन लेके हैं. अबे ये क्या से खचाड़ा सी वैन है, बजती रहती है. तो हाँ अभी हम लोग अपनी एक खचाड़ा सी वैन लेके आ चुके हैं और गाइस अभी यार मुझे आइसक्रीम वाले अंकल पे फुल ध्यान रखना होगा, ये बंदा है कहाँ पे. बस एक बार मुझे उसकी लोकेशन देखनी होता है ताकि मुझे धप्पा नहीं कर पाएगा वरना ये आके मुझे अचानक से मार देगा. ये मुझे रॉड की आवाज़ तक नहीं आ रही. नहीं आ रही यार, ये आवाज़ तो आ रही है उसकी. ओए रॉड मेरे पीछे था, फटाफट भागो फटाफट से भागो. गाइस यार रॉड वहाँ से बाहर निकल रहा था, इसने मुझे देख लिया यार ऐसी की तैसी इस रॉड की. तो भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं घूम के वहीं आ गया. हेलो क्या हाल चाल है भाई, ठीक है आपकी? ओके बाय. फटाफट से मैं यहाँ से भागता हूँ और गाइस अब यार हम लोग रॉड को पागल बना. हाँ आ जाओ रॉड वाले अंकल, आ जाओ कम ऑन आ जाओ फटाफट से भागो यार. रॉड को मैंने यहाँ पागल बना दिया भाई, यहाँ पे एक डोर है फटाफट से मैं ये खोलता हूँ और अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं. अबे गेट बंद करो भाई, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, फटाफट से भागो यार. मैं गया. अरे देख लिया रॉड ने देख लिया. रॉडी वाले अंकल आ जाओ. अगर मैं इससे बच के निकल गया, नहीं निकल पाया यार, कोने में आके फंस गया मैं. ओके अभी गाइस यार ये हम लोगों को लेके आ चुका है अपने अड्डे पे, अपने स्टॉल पे जहाँ पे यार ये हम लोगों को लेके आता है हर बार. और अब यार इसने मुझे यहाँ पे आके फ्रिज के अंदर बंद कर दिया है, ये बहुत ही जालिम आदमी है यार. ओके अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और गाइस अभी यार मुझे यहाँ पे से कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है. लास्ट टाइम यार मुझे यहाँ पे ये कोई केबल जोड़ना था और इस बार ये केबल ऑलरेडी जोड़ा. यार ये रॉड यहाँ पे खड़ा हुआ हंस रहा है भाई,
यहाँ से कहीं से आवाज़ें आ रही हैं इसकी, तो हाँ गाइस इस बार तो यार यहाँ पे केबिल भी जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब यार कहीं भी खोया, मैं ये भी नहीं खोल पा रहा यार। ओके अभी गाइस हम लोगों को कोई ना कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने का। यहाँ पे एक एमरजेंसी डोर की है, और भाई ये तो मुझे कन्फर्म हो चुका है कि भाई ये वाली की इस डोर में लगने वाली है, क्योंकि भाई ये इमरजेंसी डोर है और भाई हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बट यार यहाँ पे कुछ टूल बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। ओके भाई यहाँ पे एक और टूल बॉक्स है, इसके अंदर मुझे प्लायर्स मिल चुके हैं। क्या मैं इन प्लायर्स से मैं इसको काट सकता हूँ क्या? इन प्लायर्स से मैं इसको नहीं काट पा रहा हूँ। ओके अभी यार पहले मुझे काम करना है, मैं यार इसको यहाँ फेंकता हूँ, और भाई मुझे अभी यहाँ से ये उठाना है अपना ये जो मेरी इमरजेंसी डोर की लॉक की है, और अब मुझे फटाफट से यार यहाँ पे ये लगानी है। ओके ये खोलो और अब भागो। हाँ तो गाइस अभी यार मैं इसके वो खंडर से घर से बाहर निकल चुका हूँ, और गाइस यार अभी हम लोगों को इससे घर के अंदर से यहाँ से कुछ प्लैट्स वगैरह मिले हैं। भाई मुझे याद है यार लास्ट टाइम भाई मुझे इस एरिया पे थोड़ा बहुत सामान मिल गया था। कहाँ से आया भाई, वो रहा आ रहा है, फटाफट से भागो। भाई मुझे याद है यार लास्ट टाइम इसके झूले के पास से भाई मुझे वो गैस के कैंस वगैरह मिले थे, तो हाँ भाई क्या पता इस बार मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए वहाँ से दोबारा। तो फटाफट से यार मैं इस रोड को पागल बना के पूरा घुमा के वहाँ लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे ओके भाई यहाँ पे ये कुछ पड़ा हुआ है वायर से मैं, ओके क्या तुक्का लगे यार, वायर से वहाँ पे वो काटना था और उसके अंदर से मुझे कैंडल मिली है। ओके अब यार हम लोगों को कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, फटाफट से हम लोग चलते हैं सिनेमा पे। भाई यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं। यार मैंने अब तक वो जो है ना सिमेट्री, मैंने अब तक वो इतना सही से नहीं घूमी है। ओके फटाफट से मैं यहाँ फेंकता हूँ, और अभी हम लोग फटाफट से यहाँ से बाहर भागते हैं। इसकी मुझे आवाज़ तो ये बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ था भाई। तो हाँ गाइस अभी यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भाई हम लोग यहाँ पे ये गाड़ियों के ट्रंक खोल सकते हैं, और यहाँ पे एक टूल बॉक्स है, इसके अंदर मुझे एक रेंच मिला है, फटाफट से मैं उठा लेता हूँ। भाई यहाँ पे लाखों गाड़ियाँ हैं, अबे इन सारी गाड़ियों के क्या मुझे यहाँ पे ट्रंक खोलने होंगे? ओके भाई इतने सारे ट्रंक हैं तो कुछ ना कुछ तो काम होगा, तो तू तू दफा हो यहाँ से, तू किसी काम का नहीं है। भाई यहाँ पे रूबिक्स क्यूब पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक कोई वो बेयर टाइप कुछ पड़ा हुआ था। यार मैं ये सारा का सारा सामान लेके जाके अपनी ये वाली गाड़ी में डालने वाला हूँ। भाई ये सारा सामान मेरे काम आने वाला है मुझे पता है, बिकॉज भाई इन गेम में कोई सामान फालतू नहीं होता। तो हाँ अभी गाइजर मैंने समझ लो आधी गाड़ियों के ट्रंक्स वगैरह खोल के चेक कर लिए। रॉड कहाँ पे? हेलो मुझे यहाँ पे सोने की आवाज़ आ रही है, क्या रॉड सो गया? मैं फटाफट से इस बियर को अपनी गाड़ी के अंदर ला के फेंक देता हूँ। ओके भाई ये सारा सामान है यार मैं अपनी गाड़ी में जमा करूँगा, बाद में ये मेरे काम आएगा। यहाँ पर भी कुछ पड़ा हुआ है, मैं फटाफट से ही उठाता हूँ। ये उठा लिया मैंने, और अब भागो भाई यहाँ पे एक परफ्यूम है। फटाफट से यार मैं यहाँ पे आके अपना ये वाला परफ्यूम जो है मैं ये अपनी गाड़ी में फेंक देता हूँ। और भाई इतना सारा सामान मैंने गाड़ी में जमा कर लिया, अब तक मैंने कुछ यूज़ नहीं करा है, और भाई वो रहा वो सामने से आ रहा है, फटाफट से भागो भाई मुझे उसकी नज़रों में नहीं आना है। मुझे याद है यार यहाँ पे मुझे एक रूबिक्स क्यूब और मुझे एक और कोई बेयर मिला था, और वो मुझे जाके उठाना पड़ेगा, वो कौन सी गाड़ी में था मुझे याद नहीं है। फटाफट से यार मैं ये उठाता हूँ। यार एक तो यार मैं इसमें मुझे यहाँ पर एक बिल्ली की आवाज़ भी आ रही है। ओके ओ रोड वहाँ जा रहे हैं, ओके बाय बाय रॉड वाले अंकल। अभी यार फटाफट से यार भाई रॉड जा रहा है अपना गेड़ी मारने के लिए, हम लोग चलते हैं अपनी गेड़ी मारने के लिए। मैं भाई यहाँ पे फेंक देता हूँ इसको भी, यार मुझे लेके जाके रखना है अपने ये क्या हुआ? मैं गाड़ी के अंदर जा रहा था, मैं रॉड की डिग्गी के अंदर चला गया भाई। गाइस यार ये बहुत गंदा सीन हुआ है मेरे साथ, भागो यार भागो। ये रॉड क्या कर रहा था वहाँ खड़े होके? ये अभी तो वहाँ गया था मेरे सामने, ये मुझे पागल बना रहा है बेकार आदमी। भाई मैं अच्छी तरीके से देखा था रॉड यार यहाँ पे इस कमरे में गया। ओके इस कमरे में अब ये क्या करने जाता है मुझे ये भी देखना पड़ेगा। भाई हम लोग फुल जासूसी करने वाले हैं इस टाइम पे, पूरा वहाँ घूम रहा है। मैं सुकून से यार यहाँ पे आके इसके ये वाले रूम में जा सकता हूँ, तो हाँ फटाफट से हम लोग चलते हैं। भाई जा सकते तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम फटाफट जाएंगे इस वाले कमरे में और जाके देखते हैं भाई रॉड करता क्या है। यार यहाँ पे एक ये पड़ी हुई है अलार्म क्लॉक। ओके मुझे इस अलार्म क्लॉक को उठाने के लिए मुझे इसकी रिप्लेसमेंट में भाई कोई चीज़ यहाँ पे ला के रखनी पड़ेगी। अब वो रिप्लेसमेंट वाली चीज़ क्या होगी भाई मुझे ये नहीं पता। आई थिंक यार मुझे अब जाना चाहिए अपनी सिमेट्री पे, क्योंकि मुझे फील आ रही है कि भाई अब यार मैं सारी जगह एकदम सही से एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मुझे यार वहाँ पर ही कुछ ना कुछ मिलने वाला है। रॉड तू क्या पागल आदमी है, हटे यहाँ से। अरे 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 फंस मैं फंस गया भाई। अब फटाफट हम लोग चलते हैं सिमेट्री पे, बल्कि नहीं सर्कस पे चलते हैं भाई। ओ तेरी एक काफ़ी अच्छी बात मुझे भी यहाँ से याद आई, उस बंदे ने यार जो हमारा माइक वाला फ्रेंड था उसने यार मुझसे कुछ ना कुछ रेयर चीज़ मांगी थी, रेयर चीज़ उसने यार मुझसे कुछ ना कुछ प्रिटी चीज़ मांगी थी उस बच्चे के लिए। भाई टॉयस से ज़्यादा कीमती चीज़ क्या ही होगी? तो हाँ अभी यार मैं उसको जाके सारे टॉयस वगैरह देने वाला हूँ, क्या पता है इसके बदले वो मुझे कुछ ना कुछ दे दे। फटाफट से गेट खोलो। ओके हम लोग अंदर आ चुके हैं, और हाँ ये ले
हैं ये क्या बात हुई यार, ये मुझे देखने में थोड़ा बहुत पढ़ाकू सा लग रहा था यार। मुझे लगा कि ओके यहाँ पे यार मुझे एक और बार सारी लाइफ्स मिल चुकी हैं। और गाइस भाई मुझे लगा कि यार थोड़ा बंदा पढ़ाकू सा है, इसको रूबिक्स क्यूब पसंद आएगा, बट उसको पसंद नहीं आया। ओके बड़े से मैं ये फेंकता हूँ और यार यहाँ पे मैं गेम को एक और बार ट्राई करता हूँ, क्या पता यार मैं इस बार इस गेम को एस्केप कर लूँ और मुझे भाई उसकी वाली गन मिल जाए। पहली बारी में आके ठुक गए यार, इसको इसके कंट्रोल्स इतने मुश्किल है यार, ये गेम इतना अजीब सा है, मैं पहली बार खेला वैसा कोई गेम। ठुक गए यार, ये गेम एक्चुअली मुश्किल है गाइज। मैंने खेलूंगा ही नहीं, दोबारा सारी बारियां ज़ाया हो गई मेरी, अब मैं खेलने जाऊंगा, बेइज्जती हो रही है यार। मैं मुझे तेरा वेपन चाहिए ही नहीं, जा आ थू, मैं इस गेम को आज कंप्लीट करने वाला हूँ बगैर वेपन के, ऐसी की तैसी। अभी यार ये वाला बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है, फटाफट से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। और गाइस अभी यार मुझे यहाँ पे आके उठाना है कोई ना कोई प्रिटी चीज़, भाई ये परफ्यूम है, क्या पता भाई वो परफ्यूम ले लो, उसको परफ्यूम्स पसंद हो तो। हाँ फटाफट से हम चलते हैं यार यहाँ पे, और ये आपको चाहिए अंकल जी? हाँ ये लो, सुपर कूल। ओके सुपर कूल, श्योर आई कैन डू समथिंग विद दिस। ओके तो गाइस अभी यार यहाँ पे इसने मुझे ये कुछ दिया, ये क्या है अगर मैं इसको फेंकूँ तो? ये इसने मुझे दिया है डोर नॉब। डोर नॉब का मैं क्या कर सकता हूँ यार, डोर ये मैं तेरे सर पे ये फेंक के मारूंगा, ये रेयर चीज़ है हैं? बोल यहाँ माँ क्या देख रहा है, बता मुझे ये रेयर चीज़ है? अंकल जी बात करो मुझसे, हेलो ओए ये रेयर चीज़ है, बोल। व्हाट्सअप जे, मैं व्हाट्सअप जे, मैं ये फेंक के मार दूंगा यार। अभी यार रॉड वाला बंदा कहाँ पे है मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो। हाँ आसपास तो वो नहीं है गाइस। अगर यार मेरा ये वाला आइडिया काम करा तो भाई ये बहुत ज़्यादा बिग ब्रेन प्ले होगा भाई। मैंने अक्सर यार मूवीज़ में कार्टून वगैरह में देखा है कि भाई जो कैरेक्टर्स होते हैं यार वो एंगर को यूज़ करते हैं एज अ जिप लाइन, तो हाँ अभी यार मैं भी यही ट्राई करने वाला हूँ, क्या पता भाई मेरा ये वाला आइडिया काम कर जाए। फटाफट से मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ कि रॉड ऊपर ही ना हो। ओके रॉड यहाँ पे नहीं है। और गाइस अभी यार मैं ट्राई करने वाला हूँ कि यार क्या मैं इस हैंगर से इसको यूज़ कर सकता हूँ, इस जिप लाइन को, अगर मैं इस पर हो रहे ओके 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 गाइस अभी यार मैं यहाँ पे आ गिर चुका हूँ, और अभी यार ये मैं कहीं ना कहीं तो आ चुका हूँ। ये यार वो सर्कस वाला हमारा टेंट है, अब मुझे ये अपने हाथ में रखना है कि फिलहाल तो यार मैं इसको यहाँ फेंक देता हूँ। हाँ तो गाइस अभी यार ये वो सर्कस वाला टेंट है भाई, हम लोग वहाँ तक आए थे अब यार, बट मैं अभी इस ये वाली पूरे एरिया बंद है, अभी यार मैं इसकी इस साइड पे आ चुका हूँ। मुझे यहाँ पे क्या करना है मुझे नहीं पता, यहाँ पे हैंगर पड़ा हुआ है मेरा, यहाँ पे कुछ है क्या हमारा कुछ उठाने के लिए? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ कुछ यहाँ। ओके भाई यहाँ पे केज है, मैं इस केज को पुश कर सकता हूँ, और ये केज पुश हुआ, केज पुश हुआ। और यार यहाँ पे मुझे एक गेट मिला है। उड़े बेटे ओ गटर खुल गए यहाँ पे, अभी हम लोग जाने वाले हैं गटर के अंदर। गाइस चलो गटर के अंदर चलते हैं, कम ऑन आ जाओ गटर के अंदर चलो। गाइस अभी यार हम लोग यहाँ पे किसी अंडरग्राउंड गटर में आ चुके हैं, और यार यहाँ पे एक हमारा एरिया है, ये एरिया तो बंद है। ओके फटाफट से हम चलते हैं यहाँ से और आगे, और यार यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है यार। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ मैं पानी में गिर चुका हूँ, और यार यहाँ पे एक गेट है, मुझे इस गेट मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ पानी से? तभी हम लोगों को चलना है इस वाले गेट। बेटे सीक्रेट एंट्रेंस मिल चुकी है, अब यार हम लोग जा रहे हैं इस वाले टनल के अंदर, और यार यहाँ पे अभी हम लोगों को ये वाला गेट भी खोलना होगा। और अभी यार ये मैं किसी अंडरग्राउंड सीक्रेट बेसमेंट खतरनाक वाली रूम में आ चुका हूँ। यहाँ पे ये डोर से अगर मैं ये खोलूँ तो गैस कैनिस्टर। ओके अभी यार मुझे इस गैस कैनिस्टर को लेना है, यू नीड टू रिमूव द स्क्रूज टू टेक द गैस कैनिस्टर। ओके तो गैस यार मुझे समझ में आ चुका है, यहाँ पे यार हम लोगों को ये वाला गैस कैनिस्टर लेना है, और भाई इस गैस कैनिस्टर को लेने के लिए यार मुझे चाहिए, मुझे वाला स्क्रूज को खोलना पड़ेगा, और उसको खोलने के लिए हम लोगों को चाहिए यार वाला रेंच, और वो मेरे पास गाड़ी में पड़ा हुआ है। ओके भाई वो रेंच मुझे लेके आना है, फिर भाई मेरे हाथ लग जाएगा वाला गैस से। अबे चुप हो जा, अबे उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको उसे परेशान करना है हम लोगों को। ओके अब यार मेरे हाथ में वाला रेंच आ चुका है, मुझे जाना है यहाँ से इस काउंटर से अंदर। अरे भाई देख लिया इसने मुझे आई थिंक, ओके नहीं देखा। फटाफट से हम लोग चलते हैं भाई यहाँ से नीचे, और अभी यार मुझे यहाँ पे ये वाला गैस कैनिस्टर लेना है, तो ये फटाफट से ये वाला स्क्रू खोलो, और ये वाला स्क्रू खोलो। ओके तो गाइस अब यार यहाँ पे हमारे हाथ लग चुका है हमारा खतरनाक वाला गैस कैनिस्टर, अब यार मुझे इसको लेके यहाँ से बाहर जाना है। अब बाहर भाई रॉड यहाँ पे ये मुझे फुल शकूर है, रॉड यहाँ पे ही है, मैं थोड़ी देर यार यहाँ पे छुप के रहता हूँ। अरे रॉड
नीचे भी आता है, रॉड नीचे भी आता है, रॉड नीचे भी आता है, रॉड नीचे, शिट, रॉड ने मुझे पकड़ लिया। और अब यार यहाँ पे मेरे पास बस एक नाइट और है गाइस। यार थोड़ा बहुत ज़रा मसला हो सकता है, बल्कि एक नहीं, मेरे पास यहाँ पे दो नाइट्स अभी और हैं। तो हाँ गाइस यार अभी भाई रॉड ने मुझे पकड़ लिया था, मुझे पता भी नहीं था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि रॉड यहाँ पे नीचे भी आता है भाई, वो तो बहुत ही ख़तरनाक जा रहे हैं। और अभी यार इसने ये वाला गेट भी लॉक कर दिया होगा, बहुत ही बेकार आदमी है ये। यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पुश कर सकता हूँ। ओके अब मुझे यहाँ से ऊपर जाके मुझे फ्लोर टाइल, ओके भाई फ्लोर टाइल को मैं वहाँ से हटा के मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। फटाफट यार अभी मैं यहाँ चलता हूँ और रॉड वहाँ जा रहे हैं, तो मैं सुकून से यहाँ चलता हूँ। और अब यार मुझे जाना है हमारे सर्कस पे एक और बार भाई, मुझे वो गैस कैनिस्टर लेके आना है। और अभी हम लोग चलते हैं। यार रॉड ने मुझे कहीं ना कहीं देख लिया, फटाफट से भागो, मुझे पता नहीं उसने मुझे कहाँ से देखा है, बट मैं भाग रहा हूँ, मैं फुल स्पीड में भाग रहा हूँ। वो मेरे पीछे ही आ रहा होगा, वो देखो आ रहा भाई, वो बहुत वेला आदमी है, मैं बोल रहा हूँ ना, वो बहुत ही फारिग है। वो देखो वहाँ जा रहा भाई, अभी भागो फटाफट से यार, मुझे पता है भाई ये वाला बंदा नीचे भी मेरे पीछे आने वाला है। तो मैं फटाफट से अपना गैस कैनिस्टर लेके जाके छुप जाऊँगा भाई उस वाले टनल में। तो फटाफट चल नीचे भाई, रॉड तुझे पकड़ लेगा। ओके अब फटाफट यहाँ चलो, मुझे ये वाला गेट खोलना है और अब यहाँ से चलो नीचे भाई। मुझे पता है यार रॉड यहाँ पे आने वाले, मैं फटाफट से यार यहाँ से हट जाता हूँ। हेलो रॉडी वाले अंकल, भागो 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 भागो। अभी यार मैं धप्पा कर दिया और इसने भी यार आते मुझे पकड़ना शुरू कर दिया। यार तू कोई और काम क्यों नहीं करता भाई, तू कोई अच्छा काम कर ले, सिलेंडर फेंक के मारूंगा, सर फूट जाएगा तेरा। फटाफट से मैं ये बंद करता हूँ। और गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं यार यहाँ पे सेमेट्री पे। ओके अभी हम लोग सेमेट्री पे आ चुके हैं। अगर यार मैं अपने इस कैनिस्टर को यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो भाई साउंड होगी और रॉड यहाँ पे आ जाएगा, और मैं वो नहीं चाहता हूँ भाई। वो बहुत मेरे करीब है, बहुत मेरे करीब है, वो यहीं कहीं है। फटाफट से यार मुझे यहाँ भाई, वो रहा। ओके तो गाइस अभी यार रॉड वहाँ पे है फिलहाल। तो यार अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे। यार यहाँ पे मुझे एक डोर दिखा था, और यार यहाँ पे एक वॉल क्रैक्ट है भाई, ये मैंने पहले भी नोटिस की थी। ओके यहाँ, ओके तो गाइस अभी यार मैंने यहाँ पे एक स्मॉल गैस का सिलेंडर यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अरे यार यहाँ पे एरिया था गेट खोलने का, मैंने ये वाला गेट पहले क्यों नहीं खोला, मैं एक बार ही फजूल में मर गया। तो हाँ गाइस मैंने यार वहाँ पे यार अभी हमारा वाला गैस का सिलेंडर जो है वो मैंने लगा दिया है। हेलो, हाँ आ जाओ, कम ऑन आ जाओ। अभी गाइस मैंने यहाँ पे अपना वाला गैस का सिलेंडर लगा दिया था। मैंने वो कहाँ लगाया था यार, ये वाला गेट नहीं खुलता। ओ अभी यार यहाँ पे भाई, ये अंदर कौन सी जगह है, ये बहुत ही कोई ख़तरनाक सी जगह है। मुझे यहाँ पे अंदर जाना है, बट मैं कैसे जाऊँ पता नहीं, मेरे को रास्ता नहीं आ जाने का। यार यहाँ पर एक टॉम स्टोन बना हुआ है, और ये टॉम स्टोन के पास यार यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है। ओके इंटरैक्ट, यू कुड प्लेस सम कैंडल्स हियर। कैंडल्स, अरे मोमबत्तियाँ तो मेरे पास हैं बहुत सारी पड़ी हुई, मुझे वहाँ तुक्के में मिली थी। ये देखो यहाँ पे आइसक्रीम वाले बंदे की पिक्चर बनी हुई है। ये आइसक्रीम वाला बंदा मर गया है क्या, ये भूत है क्या भाई, क्या चल रहा है इस गेम में, मुझे पता नहीं है। फिलहाल तो अभी यार मैंने वहाँ पे अपनी कैंडल्स प्लेस की थी, बट कुछ हुआ नहीं है उससे। गाइस मैंने यार यहाँ पे अभी एक चीज़ नोटिस करी, यार आप लोग ये देखो भाई, यहाँ पे जो ग्रेव है इसके ऊपर यार जो ये आंटी की पिक्चर बनी हुई है, यार ये वाली आंटी की पिक्चर तो यार उस वाले फ्लैट में भी थी, मतलब वो फ्लैट था, अपार्टमेंट था, जो भी था यार जहाँ पे हम लोग गए थे वो सर्कस में। तो गाइस कहीं यार वो अच्छा भाई वो वाली आंटी जो मरी, अच्छा वो वाली आंटी मर चुकी है। अरे भाई यार ड्रॉड लेटा पड़ा था वहाँ पे, अभी इसने मुझे देख लिया, फटाफट भागो। तो हाँ गाइस अभी यार इसका मतलब वो वाली आंटी जो है वो मर चुकी है। भागो। यार बेटा तू भूत है ये नहीं भूलियो, मैं तुझे कैंडल से आग लगा दूंगा। ए पागल आदमी, मैं तुझे एक मिनट, रॉड यहाँ पे कैंडल्स पे आग लगा रहे, रॉड यहाँ पर कैंडल्स पे और ये गाना गा रहा है, अजीब यार ये से हुआ क्या भाई। रॉड ने यार यहाँ पे कैंडल्स पे आग लगाई और अब उससे क्या हुआ मुझे ये नहीं पता। वहाँ पे उसने कुछ फेंका भी है, एक मिनट सबर करो, वहाँ पे उसने कुछ फेंका है गाइज, मुझे पता है। अरे ये रहा रॉड हेलो, अरे आ गया, फटाफट भागो भाई। अच्छा मुझे उसको अपने पीछे लेके ही आना था। यहाँ पे इसने कुछ फेंका है, ये यहाँ पे इसने मैच बॉक्स फेंका है। ओके फटाफट से मैं यहाँ उठा के अपनी जरा गाड़ी में रख, बल्कि गाड़ी में क्यों रखना है, हाँ बल्कि मैं गाड़ी में रख देता हूँ। और अब फटाफट से भागो यहाँ से। हाँ तो गाइस यार मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भाई यहाँ पे देखो भाई, जो टॉम स्टोन है इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि इट सीम्स लाइक अ कैट इज वॉचिंग द लेडीज ग्रेव। ये जो कैट है जो ऊपर बैठी हुई है भाई, ये इन आंटी की ग्रेव को देख रही है। और यार ये वाली कैट तो उस पिक्चर में आंटी के साथ थी। और भाई मिस्ट्री पूरी, सॉल्यूशन पूरा आ चुका है हमारे हाथों में। यहाँ पर मेरे पास कैट फूड भी है, ये रहा,
भाई इस कैट फूड को यार मैं उस कैट को खिला सकता हूँ, उससे क्या पता भाई वो कैट जब वो मुझसे टेम हो जाए। मैंने भाई ये वाला कैट फूड यहाँ पे रख दिया है। रॉड कहाँ पर है मुझे पहले ये दे, रॉड ये रहा। भागो 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 भाई, बिल्ली यहाँ पे नीचे आ चुकी है। मैं क्या इस ओके मैं इस बिल्ली को यहाँ पे उठा सकता हूँ। आप लोगों को याद होगा भाई सिनेमा में जो रॉड का एक छोटा सा रूम है कोने में, वहाँ पे यार एक बिल्ली वाली क्लॉक पड़ी हुई है। उस क्लॉक पे कहा था कि यार आपको कुछ यहाँ पे लाकर रिप्लेसमेंट रखनी है, और उसकी रिप्लेसमेंट हम लोगों को मिल गई, असली जिंदा बिल्ली। ओके अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी यार बिल्ली मेरे हाथ में है। पहले मैं देख लूँ अभी मेरे पास क्या क्या सामान बाकी है जो मैंने अब तक यूज़ नहीं करा है। मैच बॉक्स बाकी है, और ये कुछ टेडी बियर्स वगैरह बाकी हैं, एक डोर नॉब बाकी है, और तो कुछ भी नहीं बाकी भाई, और मैंने सारा कुछ यूज़ कर लिया है फिलहाल। तो गाइज अभी यार रॉड ने मुझे कहीं ना कहीं से आते ही देख लिया है। भाई ये बंदा आजकल बहुत फास्ट जा रहा है। और गाइज मुझे यार अभी इस कैट को जाके रिप्लेस करना है उस अलार्म वाली क्लॉक से। हाँ पकड़ लो कम ऑन, आ जाओ फटाफट से भागो, फटाफट से भागो भाई। अभी यार रॉड वहाँ पर है और वो पूरा घूम के आएगा। मैं फटाफट से यार जाके इस कैट को वहाँ पे रख के वाली अलार्म क्लॉक ले लेता हूँ। आई थिंक यार वो मेरे बहुत काम आ सकती है। तो हाँ फटाफट अभी हम लोग चलते हैं। ये इसको यहाँ पे रखो और इसको यहाँ पे रखो। रॉड मुझे देखा है, बट अभी यार मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है। मैंने यार वो कैट वहाँ पे रख के ये कैट वाली अलार्म क्लॉक ले ली है। अब इस अलार्म क्लॉक से मुझे एक मिनट, इस अलार्म क्लॉक को यार मैं बजा के उस रॉड को डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ यार। देखो जैसे अगर मैं इस अलार्म क्लॉक को वहाँ बजा के वहाँ रख दूँ तो भाई रॉड वहाँ जाएगा, और भाई मेरे लिए यार ये वाला एरिया पूरा खाली हो जाएगा। तो हाँ ऐसे भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। बढ़िया, मेरे पास कोई बटन तो आ नहीं रहा इसको रिंग करने का। बस यार वो मैच बॉक्स का क्या यूज़ है मुझे अब तक ये नहीं पता। ये जो मुझे ये अलार्म वाली क्लॉक मिली है इसका क्या यूज़ है मुझे ये नहीं पता। और वो गैस सिलेंडर मैंने वहाँ दीवार पर क्यों चिपकाया है मुझे ये पता चल चुका है। गैस सिलेंडर में अगर हम आग लगाएंगे तो वो फट सकता है, और क्या पता हम लोगों को दीवार फाड़नी हो। आवाज़ हुई है, रॉड यहाँ पे लाजमी आएगा। फटाफट से मुझे यहाँ भागना है। और गाइस अभी यार मुझे जाना है मेरे वाले गैस सिलेंडर के पास। अब वो गैस सिलेंडर मैंने कहाँ पे लगाया था मुझे ये भी नहीं पता हो यार। शिट, फटाफट से ये वाला गेट खोलो। भागो 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 भाई, फटाफट भागो यार। मैं मेरा वहाँ जाने का प्लान था, बट यार मैं वहाँ जाके फंस जाऊँगा। मैं लास्ट टाइम भी ऐसे मुझे वहीं मारा था। हाँ आ जा बेटा, तू आ जा, मैं तुझे पूरा यहाँ घुमाऊँगा, फिर मैं वहाँ जाऊँगा। और हाँ आई थिंक यार मैंने अपना गैस सिलेंडर यहाँ पे लगाया था। हाँ भाई ये रहा मेरा गैस कनेक्टर, और अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ तो यू हैव प्लेस मैच। ओके तो गाइस जैसा कि मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वही सीन है। हम लोगों को यार यहाँ पे उसको फाड़ना है, बट यार मैंने वहाँ पे मैच बॉक्स तो लगा दिया, अब तक वो फटा नहीं है। तो आई थिंक हम लोगों को कुछ और लगाना, तो एक मिनट। अगर मैं यार यहाँ पे वो जो ये है हमारी जो एनालॉग क्लॉक है, ये हमारी अलार्म क्लॉक है, अगर यार ये मैं वहाँ जाके लगाऊं तो क्या पता उससे कुछ हो। भाई हम लोग का यहाँ पे कोई टाइम बॉम्ब तो नहीं बना रहे भाई, मैं 5 सेकंड में ये फूट जाएगा। फटाफट जाके मैं ट्राई करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और अगर मैं इस पर क्लिक कर, ओए बज रहा है शोर कर रहा है भाई, वो रॉड आ जाएगा। हेलो, अभी यार मैंने वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करा है, बिल्ली आवाज़ कर रही थी। बैठे बहुत गलत सीन हुआ है। वहाँ पे फुल धमाका हो चुका है। और गाइस अभी यार मुझे वहाँ जाने में फुल डर लग रहा है, क्योंकि मुझे कंफर्म पता था कि यार रॉड वहीं पर घूम रहा होगा। ये बहुत ही चमाट मारूंगा, भागो फटाफट से। मुझे पूरा घूम के जाना पड़ेगा उस वाले एरिया पे, मुझे देखना यार मैंने वो फाड़ा है तो मैंने वो किसी ना किसी रीज़न से फाड़ा होगा। अब वो रीज़न क्या है मुझे ये देखना पड़ेगा। ओके यार यहाँ पे जो चर्च टाइप जो भी यार, मैं भी इसके अंदर आ चुका हूँ। यार यहाँ पे ये कुछ कबर्ड वगैरह मैं इसको तो खोल पा रहा हूँ, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फटाफट से मैं ये बंद कर देता हूँ। और यार यहाँ पे ये मेन वाली टेबल के यार यहाँ पे एक ये है, इसको मैं ओके यू नीड अ डोर नॉब। भाई साहब वो डोर नॉब यहाँ पे यूज़ होगा, मैं काम करता हूँ यार, मैं इसका फ्रंट डोर खोल देता हूँ। ओके मैं ये नहीं खोल सकता। गाइज मुझे यार यहाँ पे डोर नॉब चाहिए इसको खोलने के लिए। ओके भाई डोर नॉब तो मेरे पास पड़ा हुआ है, फटाफट से मैं वो डोर नॉब लेके आता हूँ। बैठे मुझे यहाँ पे अपने डोर नॉब का भी यूज़ मिल चुका है। रॉड कहाँ पर है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है, बट मैं अभी फुल स्पीड में जा रहा हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो मेरी वैन ये रही, मेरा डोर नॉब भी यहाँ पर ही है। पहले यार मैं ये डोर नॉब उठाता हूँ। ये उठाओ उठा भाई, उठा ले भाई, रॉड आ जाएगा। ओके उठा लिए, अब फटाफट से यार बैठे ये वहाँ जा कमोन कट कट कट, चल 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 बागल आदमी। अब यार मुझे ये वाला डोर नॉब लेके जाके यहाँ पे लगाना है। भाई मैं बहुत डरा हुआ हूँ इस टाइम पे। मुझे ये खोलना है, और हम लोगों को हमें केच की मिल चुकी है। एक मिनट, इतनी आसानी से हम लोगों को केच की मिल गई? ये केच की है क्या? अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो
अगर मैं इसको खोलने की ट्राई करूँ तो अगर मैं ये खोलूँ तो अच्छा यू हम लोगों को जाना पड़ेगा पहले नेबरहुड पे। ओके अभी हम लोग नेबरहुड तो जा रहे हैं और आई थिंक मैंने ही वाली गेम स्केप कर दी। भाई साहब ये क्या तुक्के में एस्केप हुई है? ये गाइस लिटरली एक तुक्का एस्केप था भाई। ओ शिट, अरे कूदो कूद, अबे ओके, अबे हर्ट नहीं करेगी अपनी सेल्फ को, भाग कूद जा। अरे कूद, वो कूद ही नहीं। ओ शिट भाई साहब ये क्या हुआ? पकड़ो उसको। ओके अबे चार्ली पकड़ो उसको, बचाओ। अबे वो कूद ही नहीं थी, कूद जा भाई, आइसक्रीम वाले अंदर देखो ले जाएंगे। अबे भाई पकड़ लो यार, लो भाई साहब। और गाइस अभी यार यहाँ पे ये वाली गेम खत्म हो चुकी है यार। वो जो लिस्ट थी, वो जो लड़की थी यार, वो तो कूद ही नहीं वहाँ से यार, वैन से। बट छोड़ो, मेरा क्या भाई, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उसको बचा दिया। तो हाँ गाइस, बस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही भाई। हम लोगों ने पता नहीं कैसे मैंने यार ये वाला एस्केप करा, और वो भी बगैर वेपन के। भाई मुझे पता भी नहीं था कि मैं एस्केप करने वाला हूँ। वाह भाई, मैं इतना प्रो, मुझे पता भी नहीं था। तो हाँ गाइस, बस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आइसक्रीम 3 का भी आप लोग वेट करो, और 1500 साल आइसक्रीम 3 भी आने वाला है। तो हाँ गाइस, बस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यार मेरे फ्रेंड के चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में, जाके जरा एक बार चेकआउट मार लेना। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और बेल आइकन दबा दो, शेयर कर दो और क्या क्या होता है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।